हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल द हाई फर्स्ट स्टडी में। सो गाइज, अभी की जो हम रिक्रूटमेंट है आपके समक्ष उपस्थित करने वाले हैं वो रहने वाली है जेई रिक्रूटमेंट 2021। तो गाइज, कैसे कैसे इसका फॉर्म फिल करना है, अपने कितने वैकेंसी रहने वाली है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। पे स्केल क्या रहने वाली है, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हम हर एक स्टेट का अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। सो गाइस, पूरा डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो 2 से 4 मिनट का रहने वाला है, तो प्लीज़ अपने जीवन का कीमती समय निकाल कर हमारी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपका फ्यूचर इस वीडियो में हो सकता है, आपका फ्यूचर बन जाए। तो प्लीज बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल में आपको जे रिक्रूटमेंट के। ठीक है गाइस। हे गाइस, अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन शुरू हो चुका है 18 जून 2021 से, और इनका लास्ट डेट रहने वाला 8 जुलाई 2021, और इनकी लास्ट पेमेंट फीस रहने वाली गाइस 8 जुलाई 2021। आई होप कि आपको अच्छे से ये याद हो चुकी है डेट्स। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनकी वैकेंसी कितनी रहने वाली है। तो गाइज, अभी हम बात करेंगे विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 300 वैकेंसी रहने वाली है गाइज। तो पे स्केल की बात करें तो बहुत ही बढ़िया पे स्केल 37,000 पर मंथ आपका रहने वाला है। तो विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर सिविल की बात कर लें, हम सिविल की बात कर लें तो 52 वैकेंसी रहने वाली है। टोटल वैकेंसी 352 वैकेंसी रहने वाली है। आई होप कि आपको वैकेंसी अच्छे से समझ आ चुकी है। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है, एजुकेशन की बात करें तो बीटेक आपकी इलेक्ट्रॉनिक और सिविल से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 35 ईयर और 18 to 35 ईयर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो गाइज, एज लिमिट आपने कैसे फिल करना है, एज लिमिट को आपने कैसे कैलकुलेट करना है वो आप देख लीजिए। 10 जून 2021 आपकी एज लिमिट यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप 35 से बिलो हैं तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। सो गाइज, अभी हम डिस्कस करते हैं आपके साथ कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। फ़ीस की बात करें तो ओपन मेरिट या EWS से आप बिलोंग करते हैं तो 500, STSC कैंडिडेट हैं तो 250। ठीक है गाइज, पेमेंट कैसे रहेगा, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट अपनी कर सकते हैं। तो आपने फॉर्म कैसे फिल करना है गाइज, अभी हम आपको बताने वाले। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ आप विजिट करें www.getcoggujarat.com। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है। तो जॉब लोकेशन बहुत ही बढ़िया है गाइस, गुजरात। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन लाइन एग्जाम टेस्ट रहेगा, रिटर्न टेस्ट रहेगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल में विजिट हो चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। सो गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर करके इनकरेज करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।